कम सामान सफ़र आसान। गाइस अब जब भी किसी भी जगह ट्रैवल करना चाहते हो ना, वहाँ पे हम लोगों को कम ही सामान लेकर जाना चाहिए। आपका ट्रैवल वाला यूट्यूब चैनल है? नहीं, मेरे ट्रैवल का नहीं, मेरे स्पोकन इंग्लिश का है। तो आप ट्रैवलिंग के बारे में क्यों बता रहे हो? वो मैं ना भूल जाता हूँ। हेलो मेरे क्लासी व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के सामने लेकर क्या हूँ, मिनी गोफ जैम पैक्ड। जैम पैक्ड हम उन प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं जो जगह लोगों से या फिर चीज़ों से भरी पड़ी है, और गाइस ऐसी प्लेसेस में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रूम नहीं होता कि हम किसी और पर्सन को भी उस जगह पर ले आए या फिर किसी और चीज़ को उस जगह पर रख पाए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। कुछ एग्जांपल से गाइस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो चलिए चलते एग्जांपल्स की ओर। जो गाइस हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है, द प्लेस वॉज जैम पैक्ड विथ टूरिस्ट। यानी जो प्लेस था वो जैम पैक्ड था टूरिस्ट से, मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट थे कि हम एक्स्ट्रा लोगों को वहाँ पे बुला ही नहीं सकते थे, बिल्कुल भरा पड़ा था वहाँ पे। द प्लेस वॉज जैम पैक्ड विथ टूरिस्ट। तो जो गाइस हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो है, द ट्रेन वॉज जैम पैक्ड विथ कम्यूटर्स। कम्यूटर्स हम उनको कहते हैं जो डेली कम्यूट करते हैं, जो डेली आना जाना करते हैं। तो जो वो ट्रेन थी वो बिल्कुल जैम पैक्ड थी, एक भी एक्स्ट्रा पर्सन उस ट्रेन के अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी हम किसी तरीके से उसके अंदर घुस गए। लेकिन गाइस वो कम्यूटर से जैम पैक्ड थी, द ट्रेन वॉज जैम पैक्ड विद कम्यूटर्स। तो जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है, माय सूटकेस वॉज जैम पैक्ड। ट्रैवलिंग में गाइस हम लोग को बहुत ज़्यादा मजा आया जोधपुर में, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी वहाँ पे। वो प्रॉब्लम थी कि जो मेरा सूटकेस था ना वो जैम पैक्ड था, मतलब उस सूटकेस में कुछ भी रखने की जगह नहीं थी। तो माय सूटकेस वॉज जैम पैक्ड। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको जैम पैक का मीनिंग ढंग से समझ आया होगा, और अगर गाइस आपको ढंग से समझ आया है इसका मीनिंग, तो हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, हर जगह फॉलो कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।